एवरीवन, माय नेम इज अरुण जजोरिया। आज का हमारा जो सेकंड डे है बाइसेप और ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज का है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने बाइसेप्स की कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं करूंगा और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कौन सी करूंगा। सारी एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस किस तरीके से कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारा जो आज का शेड्यूल रहेगा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का रहेगा। तो चलिए आप, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि अपने बाइसेप्स को कैसे अच्छी कंडीशन में बना सकते हो और ट्राइसेप्स को भी कैसे अच्छी कंडीशन में बना सकते हो। आज मेरा जो सेकंड डे है, मैं डाइटिंग पे आ चुका हूँ। धीरे धीरे मैं आपको अपना डाइट शुरू बताऊंगा कि मैं क्या क्या पूरे दिन के अंदर डाइटिंग कर रहा हूँ, किस किस तरीके से प्रोटीन ले रहा हूँ, किस किस तरीके से फाइबर ले रहा हूँ, विटामिन ले रहा हूँ, मिनरल्स ले रहा हूँ और कितना वाटर मुझे लेना है, क्या क्या यूज करना है बॉडी के अंदर, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर। धीरे धीरे मैं आपको बताते चला जाऊंगा। चलिए हम बाइसेप की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये है स्टैंडिंग केबल हैमर विद रॉक। 1 2 बॉडी हल्का सा पीछे रोटेट रहेगी लाइक दिस। 3 4 एक्सरसाइज है डंबल कर्ल। मेरे हाथ में अभी 12 केजी का डंबल है और हम डंबल कर्ल करेंगे। 1 मूवमेंट देख सकते हो आप, डंबल हल्के से आउटर साइड है, हल्के से आउटर है। 2 5 स्पीड आपको इतनी रखनी है, ना तेज ना हल्की, लाइट। 8 9 10 आपको 10 10 के 3 सेट करने हैं। एक्सरसाइज है बारबेल कर्ल, आप देख सकते हो मूवमेंट, वो भी आपकी बिल्कुल सीधी रखनी है दोनों साइड से। 1 2 बॉडी का आगे जाएगा पीछे। 3 4 5 6 7 8 9 10 आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट इंक्रीज कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ आपकी पावर पर डिपेंड करता है कि आप कितना वेट मार सकते हैं बारबेल कर्ल के अंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है डबल कॉन्सेंट्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड चेंज। आपने 8 हार्ड केस के 3 सेट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइसेप्स की हमारी 4 एक्सरसाइज है क्योंकि हमारा सेकंड डे है। अभी हम 4 एक्सरसाइज करेंगे, बाइसेप्स की 4 एक्सरसाइज और ट्राइसेप्स की 4 एक्सरसाइज। अभी हम ट्राइसेप्स स्टार्ट करते हैं 5 मिनट का रिलैक्स करके, क्योंकि बाइसेप्स का मसल्स रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है, टिश्यूज ख़राब होते हैं। गरम गरम बाइसेप्स में आप ट्राइसेप्स स्टार्ट करते हैं तो बाइसेप्स के मसल्स पर फर्क पड़ता है इस बात इस एक्सरसाइज से। तो आप रिलैक्स कीजिए 5 मिनट, फिर नए सिरे से हम ट्राइसेप्स स्टार्ट करेंगे। हमारे 5 मिनट खत्म हो चुके हैं, अब हम ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पुश डाउन है, स्टैंडिंग पुश डाउन।
अपने हिसाब से आप वेट लगा लीजिएगा। फिलहाल तो जो हमारा पहला रैप होगा, पहला सेट होगा, वो लाइट वेट के साथ करेंगे हम। बॉडी स्ट्रेट बिल्कुल ठीक है। जो भी वेट पे जो आपका प्रेशर होगा, सिर्फ ट्राइसेप से वो प्रेशर होगा। अपने फोर आर्म्स की पावर मत लगाना, आप कोशिश करना कि सिर्फ ट्राइसेप से ही इसको यूज करो मूवमेंट को। 1, 2, 3 स्ट्रेट योर बॉडी, 4, 5, 6 स्मूथली, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अपने को 12 के 3 सेट करने हैं। 30 सेकंड का हम रिलैक्स करेंगे, नेक्स्ट सेट स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है ओवरहेड पुश डाउन, दोनों एल्बो अंदर रहेगी आपकी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसके भी आपको 12 के 3 सेट करने हैं। और अपनी एल्बो को ऊपर नीचे कहीं नहीं करना, एक ही जगह होल्ड रखना है। और मूवमेंट जो है बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी, आपका जो ये हैंडल है वो बिल्कुल सीधा जाएगा, फिर वापस आएगा। आपको अपनी एल्बो ऊपर नीचे नहीं करनी है। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है फ्रेंच प्रेस। 1, 2 आपको ग्रिप इतनी रखनी है, आप ग्रिप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 3, 4, 5, 6 एल्बो अंदर रखने हैं दोनों। आप कोशिश कीजिए क्योंकि जिनका ट्राइसेप बड़ा होता है वो आउट हो जाते हैं, एल्बो की आउट रहती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप एल्बो अपना सीधा रखें। 7, 8, 9, 10, 11 ये आपको बाबन यहाँ पे टच करके यहीं से उठाना है। आपको ये भी 12 के 3 सेट करने हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज है केबल किक बैक। आपको बॉडी सीधा रखना है, ठीक है, एल्बो आपको यहाँ चुपकाना है और केबल सीधा जाएगा। 1, 2, 3 एल्बो ऊपर नीचे कहीं नहीं होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको 10 के 3 सेट करने हैं। आज का हमारा जो वर्कआउट है, 4 एक्सरसाइज हमने बाइसेप्स की करी है, 4 एक्सरसाइज हमने ट्राइसेप्स की करी है। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन डे 3 है उसमें हम थाई लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे, उसकी वीडियोस हम कल अपडेट करेंगे। आज का हमारा वर्कआउट यहीं समाप्त होता है। गुड नाइट।